गाइस ये अपना गाड़ी पंक्चर भी हो गई है पोलो कोंकला पे, ये देखो अब एक सेकंड आगे राइट में 21 हवा दिखा रहा है, अभी लेता हूँ बैक एक सेकंड। ये पर देख तो उतर के कहाँ पे पंचर है भाई, 16,500 फीट पंचर हो गया भाई, कहाँ है। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सोमोरेरी करजोक, और टेम्परेचर अराउंड 7 to 8 डिग्री है और काफ़ी ठंड है, पर ब्राइट सनलाइट है सो वो ज़्यादा लगती नहीं है। और ये व्यू है हमारे रूम से, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। बाकी सब खाना खा रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, ये देख लो आप। ये व्यू है हमारे कॉटेज से, सोमोरेरी कॉटेज है ये, जैसे आप करजोक में एंट्री करते हो राइट साइड में पड़ता है ये एंट्री करते ही। सो ये अपना मॉर्निंग व्यू फ्रॉम सोमोरेरी, और सामने वो है पूरी लेक सोमोरेरी। और अभी हम निकलेंगे, आज हमारा जो टारगेट है वो है जिस्पा, और बीच में आज हम जाएंगे कायगरला पास, पोलो गोंकला पास, पुगा वैली, उसके बाद अपना हम डेबरिंग से ले मनाली हाईवे पर चढ़ जाएंगे, फिर भाई अपना पुराना रूट रहेगा। सो चलो मिलते हैं आगे, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अभी तक यार उनका ब्रेकफास्ट ही चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये अपना स्टिकर है, ग्रुप स्टिकर, लव ट्रैवल लव ड्राइव, फाइंड अस हैशटैग लव ट्रैवल लव ड्राइव। ये इनका डाइनिंग हॉल है, ये देख लो, इन दोनों ने इतना लेट करा दिया, 8 बज गए ना चलो ठीक है, हम निकलो फटाफट, निकलते हैं फटाफट। और आज निकल लिए हैं, ये एंट्री पॉइंट था सोमोरेरी का, इधर से आप देख लो सोमोरेरी को। और अब ये लगभग 9 किलोमीटर वाला जो है जहाँ से कट आता है चुमूर वाला कट, वहाँ तक पूरा ऑफ रोडिंग है, आगे भी ऑफ रोडिंग कितनी होगी वो आपको दिखाएंगे। बट सोमोरेरी बाय बाय, कल जो हुआ है उसके लिए माफ़ी। हाँ सो गाइस, कल हम यहाँ से आए थे, जो ये रोड आ रहा है इधर, ये चुमूर से और हैनले से आ रहा है पूरा, जो ऑफ रोडिंग रूट किया था हमने, और इधर लेफ्ट चला गया था अपना करजोक 9 किलोमीटर, और ये अब जा रहा है ले, पहले आएगा सुमदो, सुमदो से हम राइट लेफ्ट ले लेंगे, और इसमें आएंगे अपने कायगरला और पोलो गोंकला पास पुगा वैली। चलो चलते हैं रूट, अभी पूरा ऑफ रोडिंग चल रहा है और आगे भी पूरा ऑफ रोडिंग है, देखते हैं कहाँ तक रहता है। अभी लगभग हम 22 किलोमीटर आए हैं करजोक से, और ये एक लेक आई है, आई थिंक ये कायगर सो लेक है, और ये देख सकते हो क्योंकि वो छोटी लेक है, ये भी मेरे को ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही, बाकी किसी को पता नहीं है यहाँ पे, बंदे से पूछा तो उसको भी पता नहीं है। और इसके आगे आता है पास कायगरला या नाम शंगला, दोनों बोलते हैं उसका नाम, बाकी देखते हैं कितना आगे है। ये लेक देख लो आप, कायगर सो, और रूट थोड़ा अभी टैरमैक शुरू हुआ है पिछले 1 किलोमीटर से, पर वो भी टूटा हुआ है, बाकी देख लो आप स्नो पीक माउंटेन्स। और गाइस ये एक पास आया है जो कि हमारे मैप के अकॉर्डिंग, मैप दिखा देता हूँ मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड नहीं है बट मैप के अकॉर्डिंग ये अपना कायगरला है, नामशंगला है दोनों को, ये देखो आप नाम 16,000 है, और हमने आईफोन से एलिवेशन चेक किया है, 16,100 फीट आ रहा है, तो वही सेम ही होगा, 16,005 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, 16,000 दिखा रहा है और 16,005 आ रहा है आईफोन से एलिवेशन। तो ये नामशंगला और कायगरला पास है, आपको मैं एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ पास का, ये देख लो आप उधर, सबसे बड़ी बात है उधर टॉयलेट फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस पास के अंदर, देख लो आप, ये देखो आप गाइस, ये है कायगरला नामशंगला पास, और प्रॉपर इसका बनाया हुआ है, मतलब इसके सर्कल के लिए पूरा टायरमेक रोड बनाया हुआ है, उधर से मेन रोड है ये पूरा टायरमेक बनाया हुआ है ताकि इसका एक पूरा सर्किट ले सके, ये देख लो आप। सो ये इधर है, टॉयलेट फैसिलिटी भी है, और ये देख लो आप पूरे फ्लैग्स लगे हुए हैं लद्दाख फ्लैग्स, और ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है टायरमेक रोड, तो गारंटेड 100% ये कायगरला नामशंगला पास है। लोगों ने मास्क भी गिरा रखे यार, यहाँ भी गंदगी कर रखी, देख लो यार बोटल्स वगैरह, क्या ही बोलें बस लोगों के लिए। ये है भाई अपना एक और पास ऐड हो गया अपनी लिस्ट में, 15-16 पास हम कर चुके हैं, अभी एक पास और करेंगे, लगभग 17-18 पास करने वाले हम इस रोड ट्रिप पे। और ये है अनसीन लद्दाख, ना बंदा ना बंदे की जात, आप देख रहे हो अनसीन लद्दाख। सो गाइस ये इधर से हम आए हैं अपने करजोक से, ये ट्रैसेक्शन आया है, और ये एरिया जो है ये है सुमदो,
तो यहाँ से अब हमें जाना है लेफ्ट, ये लेफ्ट जाता है पुगा वैली होते हुए पोलो गोंकला, फिर सीधा डेबरिंग मिलता है और ये अपना चलाता है माहे, जो ये राइट जा रहा है ये माहे जाएगा, न्योमा लोमा जो रूट जाता है ये वाला रूट है। सो ये अपने यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, नोवेटिक रेजिडेंट पुगा, पुगा यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रखा नीचे बोर्ड पर लिखा हुआ है। सो ये एरिया पूरा सुमदो है और ये ट्राई सेक्शन है। सो आपको आइडिया हो जाएगा लोग से कि अगर आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ से आपको ईजिली पता लग जाएगा, बाकी मार्किंग भी है पुगा वैली की। सो अभी चलते हैं, सुमदो क्रॉस करेंगे, पुगा वैली में मिलते हैं। बाकी अभी तक जो ये इस रूट की अपडेट है वो है कि 50% ये ऑफ रोड था, 50% ये टर्मेक है, ऐसा कुछ रोड स्टेटस है, ये अपना गया माहे। चलो गाइस चलते हैं फटाफट, मिलते हैं आगे, आगे देखते हैं कैसा टर्मेक रूट है या ऑफ रोड वो देखते हैं। चलो चलो गाइस, सो गाइस वी रीच पुगा वैली, ये आप नज़ारे देख लो, सामने पूरे हम्स बने हुए हैं, मैं आपको थोड़ा और पास जाके दिखाता हूँ। ये पूरी पुगा वैली है, पुगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, ये देख लो, ये देख लो आप। सो ये देख लो आप, रियल पुगा वैली ये है, ये पूरे हम्स बने हुए हैं। अभिषेक भाई थोड़ा बताना साइंटिफिक रीजन के पीछे। यार वही है कि जो जो जमीन के नीचे जो सतह होती है उसके नीचे जियो थर्मल रिएक्शन होते हैं, ओके, जिसकी वजह से जो गर्मी बनती है नीचे, हाँ, जमीन की सतह के नीचे, हाँ, हाँ, उसकी वजह से ये जो गर्मी निकलती है और हाँ, ये ऊपर आ जाती है थोड़ी थोड़ी, ये देख लो पूरे हम्स, मतलब यहाँ से थोड़ा सा जो हीट निकलती है, हीट निकलती है, हाँ, मिट्टी को ऊपर कर देती है प्रेशर से, हाँ प्रेशर से, परफेक्ट यार ये है परफेक्ट पुगा वैली, देख लो गाइस दिस इज पुगा वैली और लगभग ये 7 से 8 किलोमीटर है सुमदो से, देख लो लद्दाख फेमस पुगा वैली, लद्दाख फेमस पुगा वैली, अनसीन लद्दाख, आप देख रहे हो अनसीन लद्दाख, वाह यार गाइस देख लो, ये देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं यार, ये हम्स देखो आप कितने सुंदर हम्स, सारे मजे ले रहे हैं, जीडी भाई भी लोग कर रहे हैं, अभिषेक भाई, दीपांशु भाई, देख लो भाई अपनी गाड़ी को निहार रहा हूं, गाड़ी देखो वो खड़ी अपनी गाड़ी, इतनी सुंदर लग रही है, देख लो एक नंबर यार। चलो फोटो वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, आगे मिलते हैं फोटो। अरे पुगा वैली से निकल के आता है जस्ट पुगा विलेज, काफी छोटा सा गांव है और इसके सामने ये वैली है जहाँ हमने फोटोज वगैरह लिए और आपने देखी अभी। तो अभी पुगा विलेज क्रॉस करेंगे, अब आगे हमारा जो है वो है पोलो गोंकला पास। चलो मिलते हैं आगे, रूट ऐसे टर्मेक है, टूटा फूटा रूट है ऐसे ही, तो चल तो मिलते हैं आगे। सो भाई अभी पुगा वैली से निकल के पूरा ही ऑफ रोड है और मतलब गंदा ही ऑफ रोड है, गाड़ी पूरी हिलती हुई जा रही है, इतने गंदे बम्प्स है और देख लो आप पूरा ये पूरा ऑफ रोड सेक्शन है और कितनी दूर तक है, लगभग जो पोलो गोंकला है वो लगभग 10 किलोमीटर है पुगा से। सो 3-4 किलोमीटर तो आ गए हम और पूरा ही ऐसे गंदा रोड है बिल्कुल, गाड़ी 20 से ऊपर नहीं जा पा रही, 20 भी कहा 15 की स्पीड से चल रही है आराम से, और वो तो इतने बढ़िया शोकर सेटअप है उसके बाद ही हाल है, तो कितना गंदा रोड है देख लो आप। बाकी व्यू अच्छे हैं, व्यू तो लद्दाख वाली है ही, अनसीन लद्दाख देख रहे हो आप, तो ये ऐसे कुछ रोड्स हैं। चलो मिलते हैं आगे, और फाइनली पूरा ऑफ रोडिंग के बाद लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास वी रीच्ड पोलो गोंकला पास, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 16.5 शो कर रहा है आईफोन, जो वैसे ऑन पेपर है वो 17 है, बाकी जो भी है 16900 तो लगभग ये 16.5 के आसपास। चलो रुकते हैं कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं, यहीं रोकते हैं गाड़ी, एक बार मिट्टी में रोकते हैं, नहीं बोर्ड के पास ही रोकेंगे। और गाइस ये अपना गाड़ी पंक्चर भी हो गई है पोलो गोंकला पे, ये देखो अब एक सेकंड आगे राइट में 21 हवा दिखा रहा है, अभी लेता हूँ बैक एक सेकंड, पंक्चर हो गई गाड़ी पोलो गोंकला पे, तो अगर हमारा पंप भी इशू कर रहा है कुछ, एक बार अभिषेक चेक कर रहा है नीचे एक बार, ठीक है बंद कर लो, हाँ हाँ एक बार देखते उतर के कहाँ पे पंचर है भाई, 16,500 फीट पंचर हो गया भाई, कहाँ है पंचर, नहीं बाल बोल नहीं है पंचर है भाई, आवाज कहाँ से आ रही है, इधर ठीक है, आवाज कहाँ से, आवाज आ रही है, वही तो ढूंढना है, रुको मैं आगे आगे लेता हूँ, इधर से आ रही आवाज, आगे लो ये बस चेक करते हैं कहां से पंचर है, बस चेक कर लेते हैं। और भाइयों हमने कमाल कर दिया है, हमने अपनी पंचर किट से पंचर लगा दिया है।
और हवा भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो हमने 16,500 रुपए पंचर लगाया भाई साहब, पंचर एक्सपर्ट हो गया हमें था रियल रोड ट्रिपर्स पंचर हो गया था फ्रंट वाले पहिए में पंचर लगा दिया। चलो गाइस फोटो फोटो लेते हैं, हवा भर रही है तब तक हवा जाएगी, फोटोज लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से और फोटो लेते हैं। हाँ ये व्यू देख लो, ये है अपना पोलो कोंगला कोंगला पास, 16,500 इसकी एलिवेशन शो रही है बाय आईफोन। ये देख लो गाइस, दिस इज पोलो कोंगला पास। पता नहीं आप बोर्ड नहीं है यार, रीजन क्या है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली ये पास है क्योंकि फ्लैग्स लगे और जिस तरीके से बना हुआ पूरा सर्कल होता है हमेशा जो पास होता है, तो जिस तरह से बना हुआ है कन्फर्म पोलो कोंगला पास है, बट नो बोर्ड एट ऑल। ये बोर्ड लगा हुआ इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। चलो गाइस फोटोज वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी तो पूरा ऑफ रोड सेक्शन लगभग 13 किलोमीटर है ये अपना पुगा से, 12-13 किलोमीटर पड़ता है ये पास। चलो गाइस फोटोज लेते हैं फिर निकलते हैं आगे, आगे भी पूरा ऑफ रोडिंग दिख रही है, कोई टायर नहीं दिख रहा अभी तक। और निकल लिए हम पोलो कोंगला पास से और ये हमारा 70 पास था इस अनसीन लद्दाख रोड ट्रिप का। 3 पास और करेंगे बट वो हम ऑलरेडी रिपीट करेंगे, बारालाचा नाकिला लाचुंगला। अब जा रहे हैं हम डेबरिंग की तरफ, रोड का बस होगा वो पता नहीं, बाकी आपको अपडेट देंगे जब भी रोड अच्छा आएगा, अभी तो ऑफ रोडिंग ही चल रही है। चलो मिलते हैं आगे। और भाई अभी ऑफ रोडिंग सेक्शन ही चल रहा है, लगभग हम 8-10 किलोमीटर आ चुके हैं पोलो कोंगला से और पूरा वैली में उतर चुके हैं। नीचे देखो पूरा अभी ऐसे ऑफ रोडिंग चल रही है, कोई टायर में रोड नहीं आया अभी, कहाँ से स्टार्ट होगा कितने किलोमीटर बाद स्टार्ट होगा अभी तो कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि कोई बंदे ही नहीं है, एक बाइकर मिला है और बाकी कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं मिला इस गाड़ी में कि कोई गाड़ी वाड़ी मिली हो, एक बाइकर ही मिला अभी तक। बाकी अब व्यू देख लो, वैली में चल रही है इस टाइम। और भी हम सोकर विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ कुछ कैंप्स भी है स्टे वगैरह के ऑप्शंस। बाकी ये जो सोकर लेक है ये पूरी सूख चुकी है, ये जड़ी भाई दिखाएंगे, फिर दिखाना उधर से। ये देखो भाई सारा ये सोकर जो लेक है पूरा सूख गया है, पीछे पूरी सूखी हुई है, पूरी सूखी हुई है, किसी जमाने में उसमें पानी रहा करता हो। हाँ चलो आपको डेबरिंग में मिलते हैं आगे, जहाँ से हम कटेंगे टुवर्ड्स मनाली। ठीक है गाइस सेव। सो गाइस फाइनली हमें ले मनाली हाईवे मिल गया है, डेबरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है सामने, ये जो कुछ पॉइंट्स है इधर। और सोकर के बाद काफ़ी अच्छा टैरमिक रोड मिला है सही, जैसा आपको दिख रहा है, बाकी उससे पहले सारा ऑफ रोड सेक्शन था। सो ये अब राइट यहाँ से चला गया ले और हम जाएंगे लेफ्ट जो हमारा स्टे पॉइंट आज का जिस्पा, और अब 3 पास हो रहेंगे रास्ते में रिपीट जो हम करेंगे। चलो गाइस लेते हैं लेफ्ट, मिलते हैं फिर। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमारा डेबरिंग वाला, यहीं पे कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि सुबह भी हल्का फुल्का खाया था, तो यहाँ थोड़े बहुत दाल चावल वगैरह जो भी मिलते हैं यहीं पे खाते हैं। मेरे पास है चाबी, स्टार्ट कैसे होगी फिर ये भाई फोर्ड है, बैग में भी, हाँ इसलिए। सो कहीं आप खुद खाना लेते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद अपने चलेंगे ले मनाली हाईवे टूवर्ड्स जिस्पा जो हमारा आज का स्टे पॉइंट है। सो अभी हम पांगटू सरचू वाला स्ट्रेच कर रहे हैं और लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से सरचू जस्ट एंटर किया अभी 5-7 किलोमीटर पहले पांग से, और ये अभी वो स्ट्रेच है जो रियल ले मनाली हाईवे आपको याद दिलाता है क्योंकि बाकी सब जो पार्ट है वो इम्प्रूव कर दिए बीआरओ ने, बाकी ये पार्ट ऐसा बचा है जो रियल ब्यूटी ऑफ ले मनाली हाईवे आज भी आपको याद दिला देगा, मतलब जिसने 5-6 साल पहले किया होगा और आज भी वो करे तो ये चीज सेम रही है अभी तक, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एंड दिस इज बेटर देन द ग्रेट कैनियंस ऑफ अमेरिका। हां एंड दिस इज बेटर देन द ग्रेट कैनियंस ऑफ अमेरिका। ये देख लो आप व्यूज, अगर किसी को अमेरिका जाके ग्रेट कैनियंस देखना है भाई यहां आ जाओ तो ले मनाली हाईवे कर ले। हां ऐसे पानी चलता रहता था पहले रोड पे, अब तो बहुत कम हो गया ये सब, पहले ऐसे ही पानी देख लो आप, ये सब रहता था पहले, अब तो कुछ भी नहीं है, पहले ऐसे पूरा देखो शीशे भी गिर रहा है ऊपर से पानी। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लाचुंगला 16,616 फीट। रुकेंगे नहीं भाई क्योंकि पहले हाँ पहले रुक चुके हैं यहाँ, सो रुकना बनता नहीं है। ऐसा कुछ वादियाँ हैं यहाँ पे भाई, एक ब्रेक लिया है और अभी हमने ऑफ रोड लिया है, ऊपर से वो रोड जहाँ गाड़ी जा रही है वहाँ से मेन रोड है, उधर से जा रहा है वो गाड़ी आ रही है, ये पूरा ऑफ रोड सेक्शन है, पूरा इंक्लाइन है, ये देखो पूरा इंक्लाइन जाके वो बलिंग नाला है जहाँ कैंप्स दिख रहे हैं आपको वहाँ जाके मिलता है ये, तो लगभग ये 2-3 किलोमीटर पूरा रोड काट देता है, 2-3 किलोमीटर और ये सीधा 1 किलोमीटर में नीचे मिल जाता है,
तो ये शॉर्टकट है ऑफ रोड। और ऊपर वहाँ जब हम नाकिला की चढ़ाई करेंगे, तो बलिंग नाले से नाकिला की चढ़ाई होती है, वहाँ जाम भी लगा हुआ, आपको ट्रक दिख रहे होंगे सामने। तो देखते हैं किस वजह से लैंडस्लाइड है, क्या रीज़न है, जाम लगा हुआ काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, ट्रक सारे खड़े हैं एक लाइन में। ये व्यू है अपना इस पॉइंट से, ये देख लो। अभी हम हैं लाचुंगला और नाकिला के बीच में, उस पॉइंट को बोलते हैं बलिंग नाला, ऐसे कुछ है, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, बट बलिंग नाला ऐसा कुछ बोलते हैं उसका नाम। ये देख लो यहाँ बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, जब से हम डेब्रिंग से आए ना तो पूरा ट्रैफिक मिल रहा है हमें, ट्रक्स इतने इंडियन ऑयल के ट्रक्स जा रहे हैं और पैसेंजर टूरिस्ट क्राउड बहुत है। चलो गाइस चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। गाइस भरत भाई के कंटेंट के लिए हमने यहाँ पे ट्रैफिक लगवाया है, क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी, भरत भाई कह रहे थे, तो मैंने आगे फोन करवा के ट्रैफिक लगवाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंगु सरचू का ये एक पार्ट है, यहाँ पे नैरो रोड्स हैं तो ट्रक इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, तो आगे पीछे करना है, उस वजह से जाम भी लग जाते हैं, जैसे लगा हुआ है चलते रहो। गाइस ये दिक्कत होती है, बिल्कुल नैरो है, देखो ट्रक बिल्कुल कोने में फंसा हुआ है, बिल्कुल एज टू एज मैनेज करना पड़ता है। चलो चलो अपने पास जगह है, ये देखो कितने ट्रक फंसे हुए हैं, ये देख लो गाइस कितना ट्रैफिक है। दिक्कत जब आती है जब ट्रक से ट्रक क्रॉस करता है। देख लो गाइस कैसे फंसे पड़े हैं आगे ट्रक और बस, बिल्कुल एज टू एज हो रखा है, और यही दिक्कत है बस इस जो स्ट्रेच है पांग टू सरचू, इसमें यही दिक्कत है अभी। अब वो बैक आने कह रहे हैं, पहले स्कॉर्पियो वाला आगे ले गया, अब वो कह रहे हैं बैक, तो यही चलता रहता है भैया। चलो कब तक निकलते हैं देखते हैं। भैया सबने गाड़ी बैक करी है, पहले ट्रक निकलेंगे उसके बाद ही निकल पाएंगे, सब गाड़ी बैक हुई है, हमने भी साइड में दबाई है, अभी ट्रक निकल रहे हैं सारे, अभी सारे ट्रक निकलेंगे तब जाके निकल पाएंगे कहीं। तो ये इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तभी इसमें इस स्ट्रेच में बहुत टाइम लगता है निकलने में। पीछे देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी उधर, पहले ट्रक निकल जाएंगे सारे, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। और हम क्रॉस कर रहे हैं नाकिला टॉप, 15,547 फीट पे है ये, और काफ़ी ट्रैफिक लगा है जाम से निकल के, बहुत ज़्यादा ट्रक, एक रूट पूरा क्लियर हुआ तभी हम निकल पाए हैं, एक बोर्ड इधर है नाकिला का, इधर सामने, तो नाकिला 15,545 फीट पे है। चलो अब आएगा सरचू, उसके बाद बारह लाचला, हाँ अभी घाटल उसमें आएंगे यार, घाटा लूप। अब एंट्री कर रहे हैं हम घाटा लूप्स, यहाँ से 21 हेयर पिन बैंड स्टार्ट होते हैं, और ट्रक भी आ रहा है, शायद हमें रोकना सही है, आगे रास्ता नहीं है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये कितने बैंड है रोड, पूरा नीचे जो वो नदी फ्लो रही रिवर वहाँ तक जाना, और उससे नीचे देख लो सारे बैंड दिख रहे हैं आपको, ये 21 हेयर पिन बैंड से, और यहाँ से स्टार्टिंग है गाता लूप्स की, अभी ट्रक क्रॉस हो जाए फिर निकलते हैं। वो अंदर आ रही है भरत भाई बेटी, मैंने खोले ना, अरे आपकी खुली हुई है, कहाँ खुली हुई है भाई, अच्छा वही वही सेक्शन है लास्ट ईयर जो पूरा मिट्टी मिट्टी था, पंक्टू सरचू दिखी नहीं भाई पीछे, यहाँ से कहाँ दिखाएं, पीछे बाद आगे दिखाएंगे। तो लास्ट ईयर पूरा ऐसा मिट्टी का सेक्शन था क्योंकि रोड बन रहा था पंक्टू सरचू, काफी रोड बनाया है इन्होंने, कुछ पोर्शन अभी बाकी है, बाकी ये हालत होती थी पूरी गाड़ी मिट्टी मिट्टी में हो जाती थी लास्ट ईयर, जिन्होंने लद्दाख क्लिफ देखी होगी यही होता था, देखो ये आगे गाड़ी दिखी नहीं थी लास्ट ईयर, जो जिन्होंने लद्दाख की उनको पता होगा वो एकदम समझ गए होंगे कि क्या हुआ, यहीं से लो वो पता नहीं चलेगा, ऐसा होता था लोगों को वेट करना पड़ता था। देखो फॉर्चुनर जा रही है अब दिखी है वो, और हमारे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, आप देख लो पीछे, ये देखो तो पिछले, ये देख लो पीछे हालत ऐसी मिट्टी होती थी, अब आगे मेन रोड पर। भाई एक ऑफ रोड लिया है, सामने से रूट आ रहा है वो आर्मी ट्रक आ रहा है वो है, हमने नीचे गाड़ी उतार ली है, वरना वो रूट आगे से घूम के आता उधर से पूरा आगे यू टर्न लेके वहां से घूम के आता वो रोड जा रहा, हमने थोड़ा ऑफ रोड रही है, इंडस रिवर है ये, हम क्रॉस करेंगे नीचे उतर के जहाँ वो ट्रक खड़ा है वहां से क्रॉस करके आगे से फ्रंट से वहां से ऊपर चढ़ जाएंगे रोड पे, तो एक ऑफ रोड करेंगे, एंडेवर 4x4 है तो उसका इसका कुछ फायदा उठाएं। ये देख लो गाड़ी की हालत अभी क्या है, क्योंकि वो मिट्टी वाला सेक्शन क्रॉस करके ये हालत हो गई थी गाड़ी की, देख लो अब बैठते गाड़ी में चलते हैं फटाफट।
सो गाइस हम पहुंच गए हैं सरचू और यहाँ पे देखते हैं एंट्री शायद होगी नहीं होगी, चेक करते हैं अभी। ये चेक पॉइंट है यहाँ पे सरचू, थैंक्स फॉर विजिट। अब यहाँ पे मनाली 222, चंडीगढ़ 472, अब एंट्री वगैरह कराते हैं। चलो जीडी बाइक कराएंगे एंट्री भाई। और ये जो सरचू का एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम लद्दाख से सरचू में एंट्री करते हैं, तो ये एक यू टर्न क्रॉसिंग आती है बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग, जो अभी पानी वानी नहीं है, जिस टाइम पानी होता है उस टाइम बहुत स्लश वगैरह होता है और यहाँ बहुत जाम लगता है क्योंकि एक बार में ब्रिज भी है उसके बाद बहुत शार्प यू टर्न है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। अभी पूरा जाम लगा हुआ है, वहाँ से एक व्हीकल एक बार में जाता है तो उधर से ट्रैफिक आता है और इधर से ट्रैफिक, दोनों फंस जाते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा मतलब क्रिटिकल है जो क्रॉस करना सरचू के अंदर। बाकी ठीक है, धीरे धीरे ट्रैफिक जा रहा है तो धीरे धीरे चलेंगे। ये अपनी गाड़ी है, हालत देख लो गाड़ी की। और नाउ वी रीच्ड बारलाचा पास, यहाँ एक बार देखे एक मिनट के लिए बस, वैसे हम रुक चुके हैं बट एक इंस्टा की रील पेंडिंग थी अपनी तो वो शूट कर लेते हैं फिर फटाफट निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जिसपा, जो हमारा आज नाइट स्टे है। और टाइम क्या हुआ जेडी भाई? 7:30 भाई टाइम हुआ है, 7:30 में हम जिसपा पहुंच गए। और ये काफी सुंदर बाहर देखो, वहाँ कैंपिंग भी हो रही है। और ये अपनी खास प्रॉपर्टी है पंग जिसपा गेस्ट हाउस, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी एक बार। अपना रेगुलर स्टे यही होता है पंग जिसपा गेस्ट हाउस में। यहाँ अपने स्टिकर ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं आउट ऑफ दिस इंडिया लौट रहे हैं। आपके नेटवर्क आ रहे हैं अभी, देख लेते हैं एक सेकंड भैया। अपना रूम है, एक ये रूम है और एक रूम ये है भाई। चलो गाइस अब मिलते हैं, थोड़ा अगर सामान वगैरह उतार लेते हैं गाड़ी से। और रात के 1:30 बज गए हैं, बातों में याद ही नहीं रहा व्लॉग एंड करना। सो अब कल की जर्नी में मिलते हैं, कल की जो अपनी जर्नी है वो है जिसपा टू कसोल। सो गुड नाइट गाइज, कल मिलते हैं, बाय।